आशा से आए हैं कि छुटकारा प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। जैसा कि आज के वक्ता हमारे मध्य में उपस्थित हैं पास्टर रुपेश डैनियल, आप में से बहुतों ने उन्हें पहले भी सुना होगा। कितने लोग उन्हें पहले सुन चुके हैं? प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, आज की जैसी सभा है छुटकारे और चंगाई की सभा, एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यीशु के लहू में छुटकारा है और यीशु के लहू में चंगाई है। और संसार में ऐसा कोई नहीं जो हमें छुटकारा दे सकता है पापों से, श्रापों से और सारे रोगों से, पर यीशु का लहू ही एकमात्र ऐसा है जो हमें छुटकारा देता है सारे बंधनों से, सारे पाप के बंधनों से, सारे श्रापों से और हर प्रकार की बीमारियों से। यीशु के लहू में सामर्थ्य है। क्या आप विश्वास करते हैं? आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में आज प्रभु कार्य करेंगे, और निश्चय ही हमारा विश्वास है कि बहुत बड़े कार्य का आज हम स्थान से होता हुआ देखेंगे। ये सचमुच में हमारे लिए आशीष की बात है कि परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त दास को हमारे मध्य में भेजा है, और पर आमंत्रित करती हूँ इस समय में। पास्टर, वी आर सो प्रिविलेज्ड दैट यू आर हियर विद अस एंड वी आर सो ब्लेस्ड। और आज हम सब आशा के साथ बैठे हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और मैं अनुरोध करूंगी मिस्टर एरियल तिग्गा से कि वो सामने आएंगे और पास्टर को बुकेस देकर उनका सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और मैं भाई डैनियल और भाई विशाल को भी स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और मिस्टर एरियल, उनको भी बुके देकर सम्मानित करेंगे। Yourself in the presence of God. परमेश्वर के सामने आप नम्र बनें। Humble yourself in the presence of God. परमेश्वर के सामने आप दीन बनें। And you will humble yourself in the presence of God. क्योंकि जब अपने आप को आप दीन करेंगे। Oh, the mighty Holy Spirit will touch your life. तो सामर्थी पवित्र आत्मा आप लोगों को छुए। He will check your interior parts. और वो आपके भीतरी हर एक अंग को छुए। And he will destroy every yoke of bondage. बंधन को वो तोड़ देगा। चर्च और कलीसिया इस गीत को गाए। For say, Jesus, oh Jesus, come in this place, come in this place, Master, and Lord, touch your people, Lord, destroy every yoke of bondage now, every hand of devil. Be removed from every people, Lord. The name of Jesus be glorified. Hallelujah. The name of Jesus we pray. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. फिर से यही लाइन है। मैं आजाद तेरे रक्त से हुआ, मैं आजाद लंबा या समय, मैं आजाद। Repeat it, yes.
कि हम सब मिल के गाएं। आजाद यीशु के लहू से, बोलिए प्रभु यीशु के लहू से हुआ हूं, बोलिए प्रभु यीशु के लहू से मैं आजाद हुआ हूं। मैं आपसे जो बोल रहा हूं बोलते जाइए, आप सामर्थ देखने जा रहे हो, ये अद्भुत छुटकारे की सामर्थ यहां पर कहने जा रही है मेरे प्रियो। भाई अपने ओटों को खोल के स्तुति करना शुरू करें, सब स्तुति करना शुरू करें, अपने ओटों को खोलिए। सारी बहने, सारी बहने, सारी बहने, सारे भाइये, सारी भाई, जितने लोग यहां बैठे अपने ओटों से प्रभु की स्तुति करिए।
को छोड़ के हम परमेश्वर के निकट आए। फिर भी प्यारे पिता परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु हम सभी मिल करके पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्य कहते हैं। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच आज के वचन के द्वारा हम सभी को लाभान्वित हुए प्रभु। हम ऐसा विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि सचमुच आज की जो आपकी ओर से हमारे लिए जो अद्भुत योजना थी, जिसके तहत आपने हम सबों को यहाँ उपस्थित करवाया था प्रभु, सचमुच वो सारी आशा, वो सारी बातें हमारे जीवन में आज पूरी हो गई। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हमने आपकी ओर से उस अद्भुत छुटकारे को प्राप्त किया प्रभु। हम आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं। हमें शंकाई को प्राप्त किया पिता परमेश्वर, हम जिस बीमारी से, जिस जिन गलत बातों से प्रभु पिता परमेश्वर बहुत दिनों से लड़ रहे थे, हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हमने सारी बातों से छुटकारे को प्राप्त किया, हमने सारी बातों से चंगाई को प्राप्त किया प्रभु जी। सचमुच आपकी इस अद्भुत योजना के लिए प्यारे पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे ऐसी दुआ करते हैं कि सचमुच आज हमने जिस स्वतंत्रता को प्राप्त किया प्रभु पिता परमेश्वर, हम उसी स्वतंत्रता में अपने जीवन को चलाने पाए प्रभु जी। और सचमुच जिस प्रकार दाऊद अपने भजन में कहता है, वो आपसे वो समझ, वो बुद्धि को मांगता है कि वो आपके साथ रहकर के संसार पर चले। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम भी आपसे वैसी समझ बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के प्रचारक के लिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप उन्हें इतनी दूर से हम सबों के लिए इसलिए लेकर के आए ताकि हम उनके द्वारा पिता परमेश्वर आपकी ओर से अद्भुत आयुष्य को प्राप्त करें, ऐसी हर एक बीमारी से चंगाई को प्राप्त करें पिता परमेश्वर जो हमें बहुत दिनों से सता रही थी, ऐसी हर एक गलत बातों से छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु जो हमें बहुत दिनों से तड़ पा रही थी। प्यारे पिता परमेश्वर, हमने सारी बातों को रिसीव किया प्रभु जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम ऐसी दुआ मांगते हैं कि हम सभी को जब तक इस शरीर में रहकर के जीवित रहे प्रभु, हम सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा के योग्य आने पाए। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच हमारी ओर से पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत महिमा मिलने पर धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि सचमुच आपने हमारे जीवन में ऐसी बातों को किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने सारे जनों को यहाँ आने में मदद की प्रभु, जाने में उसी प्रकार मदद कीजिए। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम फिर से कल सभी को मिल करके यहाँ उपस्थित हो आपके नाम की स्तुति और आराधना करने पाए। और प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि कल और अधिकाई के साथ और बेहतरीन और अद्भुत आशीष हम सभी को प्राप्त करेंगे। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच यीशु मसीह, हम फिर से पिता परमेश्वर यहाँ सबको आपके नाम की महिमा के लिए कल फिर से यहाँ इकट्ठे होंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, इस दान को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जिन मुठियों ने खोल के दिया प्रभु, उनके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहने पाए। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, उनके खत्ते हमेशा हमेशा आपको धन्यवाद देने के योग्य बने रहने पाए। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के साथ हो लीजिए प्रभु, और हर एक के जीवन पिता परमेश्वर हमेशा आपकी उपस्थिति बनी रहने पाए, हर एक को आपकी आपकी सुरक्षा प्राप्त होने पाए, हर एक को आपकी ओर से अच्छा और बेहतरीन आशीष हमेशा प्राप्त होने पाए, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर हर एक बेहतरीन आशीष आपकी समय के पूर्ण तक सबों के जीवन में आने पाए। हाँ प्यारे यीशु मसीह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी बातों के लिए, हर एक आशीष जो आप हम सबों को देते हैं, उस हमेशा हमें सुरक्षित रखते हैं। और प्यारे यीशु मसीह, हम दिल से हृदय से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में हाँ और आमीन के साथ रहें। आमीन।